अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। मोहम्मद आमिर के बाद वहाब रियाज ने भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। ईद के बाद पीसीबी को अपने फैसले से आगाह करके इजाज़त तलब करेंगे। दोस्तों, वीडियो में मज़ीद डिस्कशन करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल फ्री में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मोहम्मद आमिर के बाद वहाब रियाज ने भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। दोस्तों, ईद के बाद पीसीबी को अपने फैसले से आगाह करके इजाज़त तलब करेंगे। दोस्तों, इनके करीबी ज़राए का कहना है कि वहाब रियाज का ख्याल है कि इनकी रिटायरमेंट के बाद नौजवान खिलाड़ी शहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान शेनवारी, हसन अली, मोहम्मद अब्बास और दीगर बॉलर्स मौजूद हैं। दोस्तों, जो कि टेस्ट क्रिकेट में कौमी टीम की कामयाबियों में अहम करदार अदा कर सकते हैं। दोस्तों, क्या मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करना चाहिए था या नहीं, हमें अपना जवाब कमेंट में लाजमी दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की मज़ेदार वीडियो सबसे पहले तो बिल्कुल फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें।